वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी हेयर ग्रोथ रेमेडी, इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपके बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा, अगर बालों में चमक नहीं है तो चमक आ जाएगी, साथ में अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए इस मैजिकल नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबा के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूले, तक मैं जब भी आपके लिए कोई नई रेमेडी लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं नुस्खे को बनाना। सबसे पहले आप एक क्लीन बाउल ले लीजिए और आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल हमारे बालों को झड़ने से बचाता है और ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हमारे बालों को शाइनिंग करता है और हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनर करता है। तो हमें इसके अंदर एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। मैंने यहाँ पे प्योर एलोवेरा जेल लिया है, आप कोई सा भी एलोवेरा जेल इसमें यूज कर सकते हैं। ये एलोवेरा जेल बिल्कुल नेचुरल है, तो हम इसके अंदर एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और दोमुंहे बालों को भी खत्म करता है, बालों को लंबा घना मोटा भी बनाता है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हमें इसके अंदर एक चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना है। तो मैं इसके अंदर एक चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कर देती हूँ। और लास्ट चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑनियन ऑयल यानी कि प्याज का तेल। ये आपको कहीं पर भी स्टोर पर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, प्याज का रस हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, हमारे बालों को टूटने से बचाता है, हमारे बालों को जरूरी पोषण देता है और साथ ही हमारे बालों को लंबा घना मोटा बनाता है और हमारे बाल को शाइनिंग भी ये करता है। तो हमें इसमें 3 से 4 बूंदे इसके अंदर ऐड करनी है इसकी। तो मैंने इसके अंदर 3 से 4 बूंदे ऐड कर दी हैं और अब हमें इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे हम इसको मिलाते जा रहे हैं वैसे इसका कलर भी बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसे किस तरीके से अपने बालों में अप्लाई करना है। आपको इस तरीके से अपने फिंगर की सहायता से इसे लेना है, अपने बाल के स्कैल्प में आपको अच्छी तरीके से इसकी मसाज करनी है 5 मिनट तक। बहुत ही अच्छे से आपको मसाज करनी है अपने बालों की 5 मिनट तक। और मसाज करने के बाद आपको 1 घंटे के लिए इसे अपने बाल में लगे रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। आप इसे 2 तरीकों से लगा सकते हैं। आप चाहे तो नहाने से 1 घंटा पहले इसे लगा सकते हैं और रात को सोने से पहले भी आप इसे लगा सकते हैं। और रात को सोने से पहले आपको मसाज करनी है 5 मिनट तक इसके इसी तरीके से और फिर सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है अपने हेयर। तो आप इन 2 तरीके से अपने बाल में इसे लगा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपको इसे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार आपको इसे बनाना है और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दी 1 से 2 वीक तक। और आपको इसे वीक में 2 से 3 बार यूज करना है, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही कारगर नुस्खा है, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूले, तक मैं जब भी आपके लिए कोई नई रेमेडी लाऊं तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।